विषय क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हर साल की तरह जारिया साल के अख्तिताम के मौके पर महकमे पुलिस के हैदराबाद सिटी पुलिस की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुनक़िद की गई थी। इस साल BVS श्रीनिवास राव कमिश्नर का ओहदा संभाला और 28 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा कुछ तफसीलात बयान नहीं की गई और सहाफियों के मुकम्मल जवाब भी नहीं दिए गए। सहाफियों की जानिब से गोशा महल BJP के MLA राजा सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान पर दर्ज किए गए मुकदमात में रुकने असेंबली को गिरफ्तार न किए जाने पर सवाल किया गया, लेकिन सहाफी ब्रदरान को जवाब नहीं मिला। कमिश्नर VV श्रीनिवास राव ने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि अभी अरेस्ट करने जैसी जरूरत नहीं पड़ी है। नाजरीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ मसलियत व मामूलात की वजह से पुलिस रुकने असेंबली को अरेस्ट नहीं कर रही है या किसी के दबाव की वजह से। नाजरीन, आपको याद होगा कि कॉर्डन सर्च के नाम पर शहर के कई इलाकों में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी की जा रही है कि अगर कोई जराइम पेशा अफराद जो जराइम की दुनिया में सरगर्म है उन्हें शहरियों से दूर रखते हुए उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। लेकिन ये एक तरफा नजरिया क्यों? अगर कोई रुकने असेंबली है तो क्या उसका कानून अलग होगा? ऐसे लोग जो अपने अल्फाज से हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी वजह से इंतजार हो सकता है, तो क्या उसको गिरफ्तार करना पुलिस का फर्ज नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि सहाफियों के सवाल के बाद कमिश्नर सिटी पुलिस VV श्रीनिवास राव को एहसास होगा या नहीं? मोहम्मद अतीक और शेख रहमत अली के साथ मैं करीम खान, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। क्राइम रेट में तकरीबन हर एक क्राइम का घटाई हुई, परसेंटेज ऑफ क्राइम तकरीबन 13-14% का घटाई 2016 से तोल कर देखिए तो 2017 में जनरल क्राइम का डिक्रीज हुआ, खास करके मर्डर्स में 26% का और स्नैचिंग में 47% का, इस तरह का वीमेन जेंडर रिलेटेड क्राइम में 13-14% का घटाई हुई। एंड ऑल्सो और ये जो CCTV सम एविडेंस पे CCTV सम लिंक करना चाह रहे थे, जियो लिंक कर रहे थे, उसमें भी खास करके लिंकिंग के मामले में 1,66,000 कैमरा हैदराबाद में। मैं सोचता हूँ भारत में ऐसा कोई शहर नहीं है जिसमें सच में इतने CCTV लिंक हो के, हमारे कंट्रोल रूम से लिंक हो के, पुलिस कंट्रोल रूम से लिंक हो के। इसके साथ साथ क्राइम्स में भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट आया। क्राइम्स में भी खास करके लैंड ग्रैबिंग केसेस में सिटी के सेंटर में, सिटी के बगल में टेंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जहाँ ग्राब हुआ वहाँ पर भी हमारा केसेस थे, वहाँ पर डिटेक्शन कार्रवाई हुई थी। इसके साथ साथ हमारा भरोसा सेंटर जहाँ है, भरोसा सेंटर पे एक कोर्ट अवे फ्रॉम कोर्ट जहाँ से कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो सकती है, क्योंकि कई विक्टिम्स कोर्ट जाना नहीं चाहते और जाने के लिए इनकार करते हैं तो केस फिसल जाता। तो इस तरह के केसेस में विक्टिम्स यहाँ आके हमारा कोर्ट में, भरोसा वाला कोर्ट में आके भी उन लोग बयान दे सकते हैं। ऐसा कोर्ट बन रहा है और भरोसा के बगल में बन रहा है सर। तो इसके साथ साथ मेट्रो भी आया था पिछला साल, इसका भी सिक्योरिटी, इसका बंदोबस्त करना पड़ा। जैसा बंदोबस्त का बात लेते हैं तो जी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरल समिट, तेलुगु प्रपंच महासभा, साथ 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 प्रेसिडेंट के विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के विजिट्स, इन सब का बहुत अच्छी तरह से कोई इंसिडेंट के बगैर बंदोबस्त कर सके। इसके इसी तरह 2018 में भी हम आगे लेके चलेंगे, इतना अच्छा पॉलिसी हम जो कर रहे हैं इसको आगे लेके चलेंगे। सिस्टम के बारे में मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है, मैं बाद में बता सकता हूँ, बता रहे थे, पता करता हूँ उसके बारे में। हाँ हाँ, दो लीगल कदम उठाना है, बात के मुताबिक जो करना है करते जा रहे हैं। केसेस तो खाली बुक किए जा रहे हैं लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जा रही, उनको बुला के कुछ स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की जा रहे हैं, खाली केसेस पे केसेस उनके ऊपर बुक किए जा रहे हैं और रिपीटेड ऑफेंस करते आ रहे हैं। नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन जरूर हुआ, 10 से ज़्यादा केसेस में चार्जशीट भी हुई,
तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ऐसा बोलना ठीक है। अरेस्ट नहीं करने की क्या वजह? अरेस्ट जहाँ होना है करते, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछना पड़ता, पता करना पड़ता, जरूरी है तो जरूर। रिसेंटली एक चर्च का फादर है, इसी इस तरह की भड़काऊ भाषण दिया, तो उसको साउथर्न पुलिस इमीडिएटली रिमांड कर दी। क्यों राधा सिंह को पुलिस रिमांड नहीं किया? केस और केस अप्रोच लेना पड़ता, केस और केस में फर्क लगता है, फर्क होता है एक एक केस में, एक एक केस का फैक्ट्स अलग होते हैं, वहाँ का मामला मतलब वहाँ का माहौल अलग लगता है, इसलिए उसको देख के जाना पड़ता है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो उसका तय करता है, डिसीजन लेता है। तो इस हर एक केस में एक एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस तरह का निर्णय लिया, किस लिए लिया, वो डिपेंड करता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर, इनके सुपरवाइजर ऑफिसर। बीइंग ए पुलिस कमिश्नर, आगे राधा सिंह के केसेस के ऊपर कुछ सख्ती करनी है क्या? जहाँ जरूरत है कोई राजनीतिक दबाव है? बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब दूसरे गवर्नमेंट्स थे, इस गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट्स थे, पिछले कम से कम 10-12 साल से केसेस थे, 30 से आगे केसेस थे, मोर देन 30 केसेस थे, और जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ 10 केसेस से ज़्यादा चार्जशीट्स भी थे। सर, तेलंगाना एक्सर अफेयर डिपार्टमेंट की जानब से एक जियो निकाला गया जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स है, जिस तरह से सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।